बिजनेस शुरू करने से पहले करें होमवर्क। इस बिजनेस में कोई प्रोडक्ट तो बेचा नहीं जाता है, इसलिए इस बिजनेस को शुरू करने से पहले इसकी मार्केट को खंगालना होगा। ये काम आसान नहीं है। आप उन इलाकों का सर्वे करें जहां पर जिम हाउस और जुम्बा स्टूडियो अधिक मात्रा में हो, लेकिन एक भी योगा क्लास ना हो। इसका प्रमुख कारण ये है कि उस क्षेत्र में लोग अपनी सेहत और फिटनेस पर पैसे खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इन दोनों का विकल्प चाहते होंगे। जैसे युवा तो जिम और जुम्बा स्टूडियो में जाकर फिटनेस के उपाय कर लेते हैं, लेकिन युवाओं से अधिक उम्र के लोग भी अपनी फिटनेस ठीक रखना चाहते हैं और उस पर पैसा खर्च करना चाहते हैं, लेकिन अपने बेटे बेटी के साथ ना तो जिम करना चाहते हैं ना जुम्बा। ऐसे लोगों के लिए योगा सेंटर सही विकल्प हो सकता है। क्योंकि आप केवल सेवाओं को बेच रहे हैं, इसलिए मार्केट खोजना बेहद जरूरी है। यदि इस दिशा में सही काम किया गया तो आपका बिजनेस चल जाएगा, वरना उसमें कई तरह की शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कैसे करें योग प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत? जब आप मार्केट और ग्राहक तलाश लें, उसके बाद शुरुआत में आप अपना योगा ट्रेनिंग सेंटर का अभ्यास किसी पार्क में करें, जहां पर फ्री कैंप लगाकर ग्राहकों को घरों से बाहर निकालें। इस कैंप के बारे में उस क्षेत्र में जमकर प्रचार करें, पैम्फलेट बंटवाएं, जगह जगह होर्डिंग्स लगवाएं तथा जनसंपर्क करें। क्षेत्र के जाने माने लोगों को स्वयं जाकर कैंप में आने और लोगों को लाने का आग्रह करें। वहां पर योगा के बारे में स्पीच देकर और योगाभ्यास कराकर उन्हें लाभ दिलाने का विश्वास दिलाएं। कैंप में आने वालों की संख्या से ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्षेत्र में आपका प्रशिक्षण केंद्र चलने वाला है या नहीं। यदि कोई शंका हो तो दूसरी जगह इसी तरह कैंप लगाकर ग्राहकों को परखें। जहां आपको सबसे ज्यादा लोग मिले, वहीं पर अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए। आपकी स्किल यदि लोगों को भा गई तो समझ लीजिए कि आपका प्रशिक्षण केंद्र आसानी से चल जाएगा। योगा प्रशिक्षण केंद्र का बिजनेस कौन कौन कर सकता है? ये तो सभी को मालूम है कि योगा की कला में एक्सपर्ट्स लोग ही ये काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक बिजनेस में होता है कि टैलेंटेड लोग स्वयं बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अथवा बिजनेसमैन कुशल लोगों को हायर करके बिजनेस करना चाहता है, इसी तरह इस बिजनेस में भी होता है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन ये बिजनेस शुरू कर सकता है। योगा ट्रेनर, उद्यमी या बिजनेसमैन, फिटनेस एंड वेलनेस सेंटर, स्टूडियो खोलने वाले, योगा इंस्ट्रक्टर जो अनुभव लेने के बाद अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, योगा गुरु, योग के क्षेत्र में काफी नाम कमा चुके लोग भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, योगा इनोवेटर्स यानी योगा के क्षेत्र में नित नई खोज करने वाले व्यक्ति भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कितने तरह से ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है? किराए पर स्टूडियो लेकर, स्टूडियो में साझेदारी करके, छुट्टियों में या आउटडोर क्लासेस लेकर, प्राइवेट क्लासेस या घरों में जाकर योगाभ्यास करा कर, ऐप बनाकर, ऑनलाइन क्लासेस चलाकर, डाइट प्लान बनाएं, साथ में योगासन भी बताएं, पार्क में, नदियों के किनारे या पहाड़ों के नीचे क्लास लगाएं। कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत होगी? आपको अपने स्टूडियो या ट्रेनिंग सेंटर का एक अच्छा सा नाम देकर आपको शॉपिंग एक्ट में रजिस्टर कराना होगा। उसके बाद आपको अपने सेंटर के लिए GST नंबर लेना होगा। आपका सेंटर भविष्य में ब्रांड बन गया तो उस समय कोई नकल ना कर पाए, इसके लिए पहले से ही ट्रेडमार्क ले लें। इसके अलावा आयुष मंत्रालय से वॉलंटरी सर्टिफिकेशन ऑफ योगा का प्रमाण पत्र लें, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी प्रमाण पत्र हासिल कर लें। मार्केटिंग किस तरह से करें? योगा प्रशिक्षण केंद्र के बिजनेस को चलाने के लिए सबसे जरूरी काम मार्केटिंग यानी प्रचार प्रसार का है। इसके बिना आपका योग प्रशिक्षण केंद्र किसी भी कीमत पर नहीं चल सकता। आपको मार्केटिंग का हर तरीका अपनाना होगा, जैसे ऑनलाइन प्रचार, सोशल मीडिया के फ्री प्लेटफॉर्म पर योगा से जुड़ी तस्वीरें और जानकारी पोस्ट करें, न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी चैनल्स पर विज्ञापन दें, कम बजट हो तो अखबारों में पैम्फलेट डलवाएं, इवेंट में भाग लेकर योगा के बारे में स्पीच दें, इवेंट को स्पॉन्सर करें, डोर हैंगिंग, बिलबोर्ड और होर्डिंग्स लगवाएं। सोशल मीडिया के फ्री प्लेटफॉर्म के अलावा पेड मार्केटिंग पर भी ध्यान दें। योगा से मिलते जुलते जिम हाउस और जुम्बा स्टूडियो के बिजनेस वालों से आपसी तालमेल बिठाएं। उनसे ये तय करें कि योगा में रुचि दिखाने वालों को आप हमारे पास भेजें और जिम में रुचि दिखाने वालों को हम आपके पास भेजेंगे। इसी तरह जुम्बा वालों से भी टाई अप करें। सबसे पहले आपको स्टूडियो चाहिए। इसके लिए आप स्वयं का स्टूडियो बनवा सकते हैं, किराए पर स्टूडियो ले सकते हैं अथवा किसी के साथ साझे में स्टूडियो में काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको उसी तरह से बिजनेस प्लान बनाना होगा। बिजनेस प्लान बनाते समय सबसे ज्यादा मार्केटिंग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही बिजनेस का मूल मंत्र है। इसके अलावा योग्य और प्रमाणित कुशल इंस्ट्रक्टर्स या योगा ट्रेनर सैलरी पर रखने होंगे। इन सारी चीजों को स्थानीय स्तर पर होने वाले खर्चे को जोड़ लें जो आपके बिजनेस की लागत होगी। इस तरह से लागत की कोई निश्चित राशि नहीं बताई जा सकती। शुरू शुरू में तो आप अपना मुनाफा कम से कम रखें, पूरा फोकस योगा प्रशिक्षण केंद्र को सफलतापूर्वक चलाने पर करें। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।